डकैतों ने दुकानदार को मारी गोली, परिजनों ने दिलेरी दिखाते हुए अपराधी को पकड़ा। अलगडीहा ओपी क्षेत्र के सुरंगा तालाब के पास राशन दुकानदार संतोष सिंह के घर में हथियार के साथ सात अपराधी घुस आए और जमकर उत्पात मचाने लगे। अपराधी घर का दरवाजा तोड़कर प्रवेश किए थे। दुकानदार संतोष सिंह जब उठे तो अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। संतोष के दाहिने जांघ पर गोली लग गई। संतोष और उसके परिजनों ने दिलेरी दिखाते हुए एक अपराधी को पकड़ पुलिस को सौंप दिया। अपराधियों की ओर से कई राउंड फायरिंग की गई। फिलहाल संतोष का इलाज SNMMCH अस्पताल में चल रहा है। नकदी समेत 50,000 की संपत्ति अपराधी लूट कर फरार हो गए। घटना करीब 1 बजे रात की है। मौके पर अलगडीहा पुलिस पहुंची। ओपी प्रभारी रविंद्र कुमार शर्मा एक अपराधी को मध्य रात्रि पकड़ थाना ले गई, जिसके बाद रात भर पकड़े गए अपराधी जो कि गंभीर रूप से घायल था, उसे तड़पता हुआ थाने में रखा रहा। ओपी प्रभारी के इस रवैये पर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि अपराधी की हालत काफ़ी गंभीर थी तो उसे PMCH में भर्ती कराना चाहिए था, मगर पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अपराधी की स्थिति अत्यधिक बिगड़ने के बाद ओपी प्रभारी 9:50 पर अपराधी को टांग कर बोलेरो में बैठाया और PMCH ले गए। इस संबंध में जब उनसे पूछा गया तो कुछ भी बोलने से इनकार किया। समाचार सब सामने नहीं ना आ जाएगा, पहले तो जानकारी आप लोग को जानकारी नहीं है, समय तो पूरा का पूरा जानकारी आपसे लेना है। जब पूछा गया तो उन्होंने तेवर में कहा कि आप लोगों को थाना में ही न्यूज मिलता है, इसे हम पूजा करने के लिए लाए हैं। वहीं सिंदरी DSP अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि अपराधियों ने लूटपाट की है। घटना से जुड़ी हर बिंदु पर जांच हो रही। थाना प्रभारी को सूचना दी गई कि घर में अपराधी घुस गए हैं और कितने गोली चलाए सर? अभी तो एक गोली। मौके पर से क्या क्या बरामद? मौके पर से एक पुख्ता बरामद हुई है, अपराधियों के ऐसा एक भी पकड़ाया? हाँ, एक तो पब्लिक के द्वारा पकड़ी गई जिसका अभी इलाज चल रहा है। था तो ढूंढ के यहाँ देवाली लोग साबन से कबाल रहा था। अच्छा, साबन से कबाल रहा था तो बाबूजी उठा, बोला कि आपका गाय खुल गया, देख लेते हैं। तो गाय नहीं खुला था, जैसे बाबूजी गेट खोला ये लोग मैंने उनके ऊपर टूट पड़ा, उनको बांध के मारा पीटा बहुत, उनको मार के माथा यहाँ फाड़ दिया है, ये फट गया है। वहाँ से लाने के बाद इनको बोला कि चलो दरवाजा खुलवाओ। तो यहाँ आने के बाद जब दरवाजा खुलवाने लगा, जब हम जगे, जब मेरी बहन हमको जगाई तो हम देखें मेरे घर में चोर पड़ेगा। कितना जन था लगभग? उन लोग कितना? 7 लोग थे वो लोग। कितना बजे घुसा? 1:10 का घटना है ये। 1:10 का? हाँ। क्या कोई सामान नहीं चोरी हुई? हाँ, सामान में मेरा 2 मोबाइल ले गया और 6,000 रुपए दुकान से मैं पैसा निकाल लिया गल्ला से। कितने लोग थे और कोई पकड़ाया है? हाँ, एक पकड़ाया है, एक को हम ही पकड़ के रखे थे। अच्छा, तो इनको घायल किया? मेरे पापा को गोली मार दिया। गोली मार दिया, क्या नाम था? मेरे पापा का नाम है संतोष सिंह। जो चोर पकड़ा वो कहाँ है? वो थाना में शायद अभी होगा। उसके साथ मारपीट भी होता क्या? किसके साथ? चोर के साथ मारपीट? पकड़ाने के बाद तो मारपीट तो होगा ही ना। तो मतलब कहाँ से घुसा था? इधर से घुसा? ये लोग अब इधर से घुसा है, हम लोग अब ये नहीं बता सकते कहाँ से वो घुसा है। अच्छा, हाँ, लेकिन भागा है मेरे आगे वाला द्वारी से। एक को जब हम पकड़ के जब रखे थे तो फिर आया तो लोग छुड़वाने के लिए, मगर छोड़ा के नहीं ले जाता। पापा कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती बुलाने वाला कोई है? उसको बुलाने वाला बोलता है कि हमको बुलाया था गोल्डन पहाड़ी का, उसका नाम ओम प्रकाश भुइया उर्फ बम्मा बामा। और मेरे बाबूजी अभी PMCH में भर्ती है। चोर को भी वही लेके गया? चोर को भी PMCH ले गया, शायद ना थाना ले आया। हाँ, थाना ले आया। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम हो गया सूर्य प्रताप सिंह।